अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ पाया मसाला। पाया मसाला बनाने के लिए मैंने 2 चमचा धनिया लिया है और 1 चमचा ज़ीरा और 1 ही चमचा सौंफ, 20 अदद काली मिर्च, बड़ी इलायची 3 अदद, लौंग 6 अदद, छोटी इलायची 6 अदद और जायफल 1 छोटा टुकड़ा और जावित्री जो है वो मैंने 2 अदद लिया है और दालचीनी 2 अदद। धनिया 2 चमचा लिया है और लाल मिर्च मैंने 1 चमचा भर के लिया है और देगी मिर्च मैंने 1 चमचा भर के लिया है। नमक हद पे ज़रूरत। हल्दी मैंने 1/2 चमचा लिया है क्योंकि 1/2 चमचा हम पाए में भी डालेंगे और टाटरी 1/2 चमचा। फ्राई पैन गर्म हो गया है, अब इसमें हम ये सारे मसाले जो हैं इन सब मसालों को हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही इसमें से एक हल्की सी खुशबू आने लगेगी हम इसे उतार लेंगे। देखिए 30 सेकंड तक मैंने इसको भूना था, अब बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसे चूल्हा बंद करती हूँ। जो गरम मसाला मैंने भून लिया था अब उनको मैं चॉपर में अच्छी तरह से पीस लूंगी। अब इनको अच्छी तरह से मैं पीस लूंगी। देखें गरम मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से पीस गया है। अब इसमें मैं कुछ मसाले डालूंगी, जैसे देगी मिर्च, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर और टाटरी। अब इन सबको डाल के 2 मिनट के लिए और अच्छी तरह से चला लेंगे। देखिए मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से पिस गया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं इनको निकाल लूँगी। पाया मसाला बनके तैयार है। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।